यूएन का जो रिजोल्यूशन है उसके तीन हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है वो है सीज फायर ऑर्डर, यानी संघर्ष की समाप्ति का आदेश। दूसरे को बोलते हैं ट्रूस एग्रीमेंट। ट्रूस का मतलब है जिसको आप युद्ध विराम कह सकते हैं, युद्ध विराम समझौता। और तीसरे हिस्से को बोलते हैं अदर्स, अन्य। सीज फायर अंततः 31 दिसंबर 1948 को फाइनल हुआ और 1 जनवरी 1949 से युद्ध रुक गया। और जिस दिन युद्ध रुका उस दिन हम जहां पर थे उसको बोलते हैं एलओसी। रेजोल्यूशन का सेकंड पार्ट ये कहता है कि चूंकि पाकिस्तान ने माना है कि पाकिस्तान के सैनिक कश्मीर की जमीन पर हैं, सबसे पहले पाकिस्तान अपने सैनिकों को, अपनी सेना को कश्मीर से वापस बुलाएगा। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप, पाकिस्तान ने यह भी माना है कि उसके देश के बहुत सारे जनजातीय लोग जो जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं हैं, इस समय जम्मू कश्मीर के संघर्ष में शामिल हैं। पाकिस्तान व्यवस्था करेगा कि वे भी जम्मू कश्मीर छोड़कर वापस पाकिस्तान आ जाएं। थर्ड पॉइंट में लिखा है, जब संयुक्त राष्ट्र आयोग भारत सरकार को सूचना देगा कि पाकिस्तान ने पहले दोनों कदम उठा लिए हैं, तब भारत सरकार अपनी सेना को पीछे लाना शुरू करेगी और कुछ समय के बाद श्रीनगर के इलाके से बाहर ले जाएगी। अदर्स में एक बात लिखी, एक तीन लाइन का एक पैराग्राफ है, उसमें लिखा हुआ है, दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि जम्मू कश्मीर का अंतिम फैसला जम्मू कश्मीर की जनता की इच्छा से होगा और जब पहली वाली कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जनमत संग्रह कराया जाएगा, उससे तय होगा कि जम्मू कश्मीर कौन से देश का हिस्सा बनना चाहता है।